केंद्रीय राज मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब च झोने की खरीद संबंधी भारतीय खुराक निगम के अधिकारियों नाल समीक्षा मीटिंग की है। उन्होंने दसिया कि अप्रैल तो हुण तक अक्टूबर तक पंजाब च 95.16 लाख मीट्रिक टन झोना ते कणक 2684 रेलों राही लिजाया गया, जिस नाल सूबे च वाधू स्टोरेज समर्था खाली हो गई है। उन्होंने दसिया कि केंद्र सरकार ने सूबे च 31 लाख मीट्रिक टन नवी स्टोरेज समर्था बनाने की प्रवानगी दी है। इस विचों 9 लाख मीट्रिक टन समर्था पिछले साल मंजूर किया गया सी। इसके टेंडर सूबा सरकार के वलों अंतिम रूप दिता जाना बाकी है। 22 लाख मीट्रिक टन समर्था पिछले हफ्ते मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी वित्तीय जिम्मेवारियां पूरी कर लिया ने, हूँ पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है कि वह खरीद के 48 घंटे अंदर अंदर यह फंड किसानों तक पहुँचाने यकीनी बनावे। 30 लाख मीट्रिक टन के जोड़े गोदाम बनाने 1 साल हो गया, वो अज तक टेंडर नहीं कढ़े। तुसीं उह चाहे आप पंजाब सरकार बना ले, इन्हां दी एजेंसियां बना लैन, चाहे प्राइवेट प्लेयरां नूं दे देण, कितना वड्डा फायदा होगा। तो FCI है जिहड़ी उह साइन भी GM साहब ते महकमा 10 साल दा करदा है। जे किसी प्राइवेट प्लेयर नूं भी किस दी जमीन च उहने गोदाम गडाउन बना ले रखण ले 10 साल तक किराया दा एग्रीमेंट नाल हुंदा है, वह किड्डा वड्डा फायदा है किसी किसान मजदूर किसी भी पंजाबी नूं जिहड़ा फायदा होना। वह 31 लाख मीट्रिक टन का इन्हां ने वह लाभ भी जिहड़ा देण नहीं दिता। तो इस करके ये दोनों तीनों गल्लां है जिहड़ियां, जिहड़ी खरीद की गल हो रही सी वह खरीद जिहड़ी करनी आ वह असीं दो गल्लां तुहानूं दस्सतियां वी 44,000 करोड़ रुपया इन्हां कोल जिहड़ा खरीदण दा पहुँच गया। जिहड़ी ये गल कहिंदे सी वी स्पेस की प्रॉब्लम आ, वह मैं तुहानूं दस्सदी वी किन्नी स्पेस इन्हां कोल हैगी आ, किन्नी जिहड़ी आ मूवमेंट आ वह लगातार हो रही आ। आ एक अंकड़ा होर आ, अज जिहड़ी रोज़ दी अज साडे मंत्री जी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिक्र जाहिर किया भी ये पंजाब च असीं जदों इन्ना कुछ कर रहे हैं ये क्यों गलत स्टेटमेंटा दे रहे हैं, क्यों ऐसी गल कर रहे हैं। रोज़ तुसी देखो अज तक मैं कहना है 15 लाख मीट्रिक टन टिल टुडे अज दे अंकड़े आ, जिहड़ी स्पेस इन्हां कोल बनी पई आ जिहदे विच अज भी ये जगह खाली पई आ 15 लाख मीट्रिक टन की अज टिल टुडे आ स्पेस इन्हां कोल पई आ। उदों बाद असी सरकार ने FCI ने वादा किया मुख्यमंत्री जी नाल उदन जिदन मीटिंग सीगे भी 40 लाख मीट्रिक टन किन्ना 40 लाख मीट्रिक टन असी ये दिसंबर तक, क्योंकि ये लगातार प्रोसैस है ना, ट्रेना तो सारा साल ही चलदी आ, रैक चलते आ, वह दिसंबर तक इन्हां कोल स्पेस आ जिहड़ी तैयारी होगी। ये लिख लियो इहदे विच कोई भी, ये सरकारी अंकड़े आ। उदों बाद जिहड़ा मार्च तक 90 लाख मीट्रिक टन मार्च तक जिहड़ी स्पेस इन्हां कोल तैयार होएगी, इन्हां कोल रहेगी। तो जिहड़ा होर भी अगे इस तरीके नाल जिहड़ा असी 2025 तक इन्हां नाल जिम्मेवारी नाल साडी श्योरिटी आ भी स्पेस की कोई भी कमी आ जिहड़ी वह नहीं आएगी। हुण एक गल तुहानूं स्पेस की दसती भी 15 लाख मीट्रिक टन की अज स्पेस पई है, 40 लाख मीट्रिक टन की दिसंबर च, 90 लाख मीट्रिक टन की मार्च, तो बाकी जिहड़ी जिन्नी भी जरूरत होएगी वह 2025 तक असी रखांगे। नवीं स्पेस इन्हां नूं बनाउण नूं कहता 31 लाख मीट्रिक टन की, वो इन्हां ने टेंडर नहीं कढ़े। रोज़ की मूवमेंट मैं थोनों दसती भी रोज़ की मूवमेंट जिहड़ी आ वह तकरीबन 400 से 500 की जिहड़ी अप्रैल ते अक्टूबर के पूरे मैं थोनों अंकड़े देते। ये 18 रैकों की गल करते, ये तो तुसी अंदाजा लाओ भी हर महीने जिहड़ियां वह किसे 775 भी गई है, किसे जिहड़ियां है वह 500 तो उत्ते गई, किसे 400 तो उत्ते गई, अज भी जिहड़ियां 367 26 तरीक तक ट्रेना रैक ने जिहड़े वह जा चुके आ पूरे भर के। मैं अगे भी अंकड़े दिते सी जिहदे विच तकरीबन जिहड़ी बोरी आ वह 60,000, एक रैक च 60,000 बोरी जाती आ, ये अंदाजा ला लो 60,000 बोरी जिहड़ी आ एक रैक च एक ट्रेन जाती है। तो एडी
ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਵਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਉਹਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਬਣੇਗਾ ਚਾਵਲ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ